ये उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के रहने वाले विभू उपाध्याय हैं। इन्होंने अपने परिवार और जिले का नाम रोशन किया है। इन्होंने वो कारनामा कर दिखाया है जिसकी ख्वाहिश हर छात्र को रहती है। विभू ने नीट एग्जाम में बड़ा मुकाम हासिल किया है। विभू ने पहले ही प्रयास में 720 अंकों में से 622 अंक प्राप्त किए हैं। विभू रोजाना गंगा आरती करते हैं। उन्होंने अपने इस सफलता का श्रेय माँ गंगा और अपने परिवार वालों को दिया है। बताते चलें कि 15 जनवरी 2019 को बदायूं के कछाला गंगा घाट में बनारस की तर्ज पर नियमित रूप से आरती की शुरुआत हुई थी और तभी से विभू यहां रोजाना गंगा आरती करते हैं। मेरा हमेशा से ये प्रेरणा रही है कि मैं अपने जो मेरे खानदान में हमेशा चलता आया है कि हम मेडिकल कोर्सेज में आगे बढ़ें, वो मैंने आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया। मैंने नीट की तैयारी शुरू की थी जो कि लगभग 9-10 से शुरू हो गई थी, जिस वजह से शायद मुझे 12th के बाद कम से कम समय लगा और मैंने ये नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। ये आशीर्वाद मिला गंगा माँ की तरफ से कि मैं एक आज एक MBBS डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। विभू ने एक साल पहले बदायूं छोड़कर कोटा में नीट की परीक्षा के लिए कोचिंग ज्वाइन की थी और वहीं से पढ़ाई शुरू कर दी। अपनी मेहनत और माँ गंगा के आशीर्वाद के चलते उन्होंने नीट परीक्षा पास कर ली है। बता दें कि वो पिछले 3-4 साल से इसकी तैयारी कर रहे थे। विभू ने कहा है कि जब भी उन्हें समय मिलेगा वो दोबारा गंगा आरती में जुट जाएंगे। 2019 में हमारे जो पूर्व DM है मिस्टर दिनेश कुमार सिंह, उन्होंने ये शुरुआत की थी 2019 में आरती की और तभी से मैं और मेरे भाई और सभी साथीगण इस आरती में जुटे हुए थे। और मेरा हमेशा से ये प्रेरणा रही है कि मैं अपने जो मेरे खानदान में हमेशा चलता आया है कि हम मेडिकल कोर्सेज में आगे बढ़ें, वो मैंने आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया और उसी के तहत मैं MBBS डॉक्टर बनना चाहता था हमेशा से, और उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने नीट की तैयारी शुरू की थी जो कि लगभग 9-10 से शुरू हो गई थी, जिस वजह से शायद मुझे 12th के बाद कम से कम समय लगा और मैंने ये नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट का रिजल्ट 13 जून को जारी हुआ था। इस साल 20,38,596 उम्मीदवार नीट परीक्षा में उपस्थित हुए थे। इनमें से 11,45,996 उम्मीदवारों ने MBBS और BDS मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए क्वालिफाई किया है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के छात्रों ने क्वालिफाई किया है। इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु के छात्रों की मौजूदगी है। फिलहाल विभू की इस सफलता के बाद से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है और हर कोई इसे माँ गंगा का आशीर्वाद बता रहा है। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर अलग अलग तरह के पोस्ट देखने को मिल रहे हैं।